शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 25/8/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है प्राण प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा, मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। कौन प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमारे साथ? स्वयं भगवान, और वो हमारा साथी बनके हमसे हाथ बढ़ा रहा है कि बच्चे प्रतिज्ञा करो तो मैं भी तुम्हारा पूरा पूरा मददगारी रहूंगा। प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? ये तो बड़ी भारी बात है। अब हम बच्चे तो बाबा की याद में बैठते हैं ताकि अपने विकर्म विनाश हो, परंतु ये जो पिछाड़ी में जब विनाश हो जाएगा उसके पश्चात ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल माना जैसे पंच होता है ना, तो ग्राम पंचायत में पंच बैठता है और फिर उनका फैसला करता है, तो ऐसे पाप पुण्य का फैसला करने के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो फिर ये ट्रिब्यूनल पिछाड़ी में किसके हिसाब किताब को चुकतू कराने के लिए बैठेगी? ये प्रश्न है। उत्तर है, जो क्रोध में आकर बॉम्ब से कितनों का मौत कर देते हैं। ये जो समय प्रति समय बॉम्ब फेंकते हैं या बॉम्ब रखते हैं छिपा करके, तो जिसके पीछे अनेकों की मौत हो जाती है, तो उन पर केस कौन करे? और कैसे करे, कैसे पता चले? चलो एक आध दो का पता चल भी जाता है, लेकिन हर वक्त यदि इस प्रकार बम्स फेंके जाएं, रखे जाएं और वो फूटते हैं और जो अनेक निर्दोष आत्माएं उसमें जो मर जाती हैं, तो उनका फैसला कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर है, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। किससे? पुरानी दुनिया के जो भी मनुष्य आत्माएं, मित्र संबंधी पदार्थ जो कुछ भी है, बुद्धि में रहता है कि अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए क्या करना पड़े? मीठे मीठे बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़े। दूसरी बात भी बताई है इसमें कि पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, लेकिन वंडर क्या है, पढ़ाई का जो पद है वो दूसरे जन्म में मिलता है। ये जन्म पूरा हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर दूसरे जन्म में हमें उसका पद प्राप्त होता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, नंबर एक, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बनकर सबको फूल बनाना है, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। नंबर दो, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। वरदान है आज का, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। अब बाबा ने कार्टून शब्द क्यों दिया? जो छोटे बच्चे कार्टून देखते खुश होते हैं तो वो एक खेल लगता है। कार्टून के द्वारा भारी बात भी यदि बताई जाए तो वो लाइट हो जाती है, और वो एक खेल के मुआफिक लगती है तो खुशी प्राप्त होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि माया और प्रकृति के जो भी परिस्थितियां निर्माण हो उनके द्वारा, यदि खेल समझकर उससे खेलेंगे
ड्रामा समझकर साक्षी होके देखेंगे तो उसका असर नहीं आएगा, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। जैसे ईश्वर की देन होती है ना, कोई को गीत लिखने की, कोई को कविता लिखने की, कोई को आर्टिकल लिखने की, कोई को नृत्य की, कोई को गीत गाने की, तो बाबा कहते हैं ये भी विशेष बाप दादा की देन है। क्या? संतुष्टता हो उसके पास, वो संतुष्ट मणि हो। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, हाँ, कठपुतली का खेल, आजकल कार्टून शो का फैशन है। तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से, खराबी से परे रहना ही परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।